बौद्ध समुदाय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। खड़गे ने एक इंटरव्यू में बौद्ध धर्म के प्रति पीएम मोदी के विश्वास पर सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर भारतीय बौद्ध संघ ने नाराजगी जाहिर की है, कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष संगप्रिया राहुल ने कहा कि देश में आजादी के बाद पहली बार पीएम मोदी ने ही 2014 में तालकटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाया था। साथ ही संगप्रिया ने सवाल भी खड़े किए कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब बुद्ध का उत्सव क्यों नहीं मनाया गया। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान है वो निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और किसी पार्टी ने भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी नहीं मनाया। 2014 में पहली बार जब माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन पहली बार मनाया, जो आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया जिसने प्रधानमंत्री ने बुद्ध का जन्मदिन मनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो कांग्रेस पार्टी में मंत्री भी रहे, जब मनमोहन सिंह की सरकार रही तो आपने क्यों नहीं बुद्ध की तरफ दिया, बुद्ध का क्यों नहीं मनाया आपने, कौन आपको मनाने से मना किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी के सरकार में निरंतर बुद्धिज्म के लिए काम हो रहा है, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे संकिसा हो, चाहे कौशाम्बी हो, सभी स्थलों पर कई हजार करोड़ रुपया दे करके उनके लिए बहुत भव्य वहाँ ठहरने का, बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए, वहाँ पर गेस्ट हाउस बनाने के लिए, वहाँ की सारी सुविधाओं के लिए जो कार्य किया है, निश्चित रूप से आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। कर्नाटक के बेल्लारी